नगर निगम परिसर में इन दिनों अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। यह अराजक तत्व भोले भाले लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लूट खसोट करते हैं और अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसे मारने पीटने से भी ये गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को प्रकाश में आया। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुर निवासी विश्वनाथ कुशवाहा अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर बीते कई दिनों से नगर निगम के एक दलाल को रुपये दिए थे। मंगलवार को जन्म प्रमाण पत्र लेने पहुंचे पीड़ित को अराजक तत्वों ने ना ही पैसे दिए और ना ही जन्म प्रमाण पत्र दिया। इस बात पर वाद विवाद बढ़ गया और दलालों ने विश्वनाथ कुशवाहा को जमकर दौड़ाकर पीटा, जिसके बाद श्री कुशवाहा किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हुए। घटना की जानकारी पीड़ित ने तत्काल महापौर सीताराम जायसवाल को दी। महापौर ने मामले को संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी को बुलाकर मामले की जानकारी दी और कहा, नगर निगम परिसर में किसी प्रकार के दलाल को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। अकेला आदमी था कि और भी उसके साथ है? उसका भाई लड़का है, जवान लड़का है, उसका जमाल सर से लंबा है वो। नामांतरण का पैसा ले रहे हैं सर? वो भी लेते हैं और कई लोग लेते हैं, बाबू भी तो लेते हैं। बाबू 16 तारीख को जन्म प्रमाण पत्र लड़के बनाए, कल लास्ट डेट है सर, कल लास्ट डेट है, इसमें जमा करना है। पैसा भी ले लिया हमसे, 500 मांगा 400 दे दिया। कल बुलाया है, आज बुलाया, बुलाया 11 बजे, फिर बोला 2 बजे आइए, फिर बोला 4 बजे, 4 बजे दिया पैसा, मारे जमा कर देखिए। आइएगा दूसरे दिन ही बुलाया कुछ मार दिया ना इसी संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, पहली बार मुझे संज्ञान में आया है कि जन्म तो प्रमाण पत्र बनाने में यहाँ पर कुछ अराजक तत्व सक्रिय हैं और मैं इसके लिए संबंधित बाबू को बुलाया है और उन्हें निर्देशित किया है कि आप किसी अराजक तत्व के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर अराजक तत्व जो भी नगर निगम के अंदर प्रवेश करते हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी सूचना सभी अधिकारियों को दे दी गई है और ये घटना की पुनः आवृत्ति नहीं होगी। मैं अपने नागरिकों को और जन्म मृत्यु प्रमाण बनाने वाले लोगों से निवेदन करता हूं कि सीधे काउंटर पर जाएं और अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बताएं, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर नहीं बनता है तो सीधे मुझे
नगर आयुक्त को इस संबंध में जानकारी दें, उस पर कार्रवाई होगी और समय सीमा के अंदर उनका काम का निस्तारण कर दिया जाए। सर, नगर निगम परिसर में पुलिस चौकी भी है सर, मौके पे इससे सर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था सर? मुझे आज जानकारी हुई है कि यहाँ पर परमानेंट किसी पुलिसकर्मी की व्यवस्था नहीं है। चौकी होने के बाद मैं इस पुलिस अधिकारियों से बात करूँगा और परमानेंट यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कराने के लिए मैं SSP से बात करूँगा और यह व्यवस्था होगी। आगे से यहाँ पर जरूर ही पुलिस उपस्थित रहेगी और किसी तरह के आरक तत्व के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा। हमला सर ये था कि हमने 17 तारीख को उसको पैसा दिया। कौन था सर ये? हम नगर निगम में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए थे, उससे हमने पूछा सर कहाँ बनेगा, तो वो कहाँ हम ही लोग बनाते हैं। उन्होंने बोला हमें पैसा कितना पड़ेगा, तो बोला कि आप जो है 500 रुपया दे दीजिए, लेकिन हमसे 400 रुपया उसको हमने दिया, 400 रुपया दिया और बोला कि आप 20 तारीख को आके ले लीजिएगा। 20 को आए तो 20 को उसने दिया नहीं, फिर बुलाया वो 22 को भी आने दिया, 23 बुलाया, 24 बुलाया। आज वहाँ पर रजिस्टर पर नोट नहीं किया था, जाके रजिस्टर मेंटेन देख रहे थे, रजिस्टर में लड़के का नाम नहीं था, उनका नाम नहीं। उसके बाद उससे हाथापाई मेरी होगी, हमको 2-4 तक। किसको पैसा दिए थे आप, नाम क्या है उसका? निहाल। निहाल नाम है जी। कितने लोग आपके साथ मारपीट किए हैं जी? कितने लोग आपके साथ मारपीट किए हैं? वो अकेले था, बड़ा ही था, हमसे लंबा था, फटा था, वो मार दिया। वहाँ पर बाबू भी थे। अभी इसकी सूचना किसी को दिए हैं? सूचना चौकी पर गए थे, चौकी उठे नहीं, अभी हमने इनको मेयर साहब को दिया है। क्या बोले? मेयर साहब बोले एप्लीकेशन लिखिए और मेरा जन्म पत्र बनवा रहे हैं।